हेलो फ्रेंड्स, मैं सईद, एजीटी इन्फो टीवी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एरर 691 के बारे में बताने वाला हूँ, किन किन रीजंस की वजह से एरर 691 आती है और इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एजीटी नॉलेज की पहली वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और राउटर में लॉग इन कर लेता हूँ। दोस्तों, ये रहा कनेक्टिविटी स्टेटस। यहाँ पर PPPoE कनेक्टिविटी स्टेटस सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिंग ही दिखा रहा है। यहाँ पर ना ही इंटरनेट एक्सेस है और ना ही यहाँ पर PPPoE सर्वर से कोई IP एड्रेस असाइन हुआ है। दोस्तों, एरर 691 के पीछे मेन तीन रीजन होते हैं। पहला, इनकरेक्ट यूजर ID, दूसरा इनकरेक्ट पासवर्ड, तीसरा मैक ऑथेंटिकेशन फेलर। दोस्तों, अब मैं आपको वैन कॉन्फ़िगरेशन में ले चलता हूँ। यहाँ पर कनेक्शन टाइप PPPoE सिलेक्टेड है, यूजर ID पासवर्ड भी सेव की गई है। दोस्तों, ज़्यादातर यूज़र ये जानते हैं कि यूज़र ID पासवर्ड गलत होने की वजह से एरर 691 आती है, पर ये नहीं जानते कि एरर 691 मैक ऑथेंटिकेशन फेलर की वजह से भी आती है। वैसे ये दिक्कत कब आती है? ये दिक्कत तभी आती है जब आप अपना कंप्यूटर, राउटर या नेटवर्क कार्ड चेंज करते हो। दोस्तों, किसी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस में एक यूनिक ID होती है जिसे मैक ID कहते हैं। इसी यूनिक ID को सर्विस प्रोवाइडर्स यूजर ID और पासवर्ड के साथ रजिस्टर कर देते हैं। वैसे कुछ सर्विस प्रोवाइडर मैक रजिस्टर करते हैं, कुछ नहीं करते। अगर मैक एड्रेस रजिस्टर किया गया है तो जब भी आप अपना कंप्यूटर, राउटर या नेटवर्क कार्ड चेंज करोगे तो आपको एरर 691 जरूर आएगी। वैसे दोस्तों, इस प्रॉब्लम को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को कॉन्टेक्ट करके मैक रीसेट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप डिवाइस का मैक एड्रेस चेंज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, सभी राउटर कंप्यूटर में मैक एड्रेस चेंज करने के लिए सेटिंग्स होती है। वैसे राउटर की बात करें तो आपको पुराने वाले राउटर का वैन मैक एड्रेस लेकर नए वाले राउटर में ऐड करना है और उसे सेव करना है। यहां पर मैं पुराने राउटर के मैक एड्रेस को ऐड कर देता हूं और सेव पे क्लिक कर देता हूं। यहाँ पर डिवाइस का मैक एड्रेस चेंज हो चुका है। अब हम PPPoE कनेक्टिविटी स्टेटस चेक कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर PPPoE कनेक्टिविटी स्टेटस कनेक्टेड है, सर्वर से IP एड्रेस भी असाइन हो चुका है। अब यहाँ पर इस राउटर से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर राउटर में एरर कोड शो नहीं करते। अगर आप एरर कोड जानना चाहते हो तो आगे की वीडियो ज़रूर देखिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। साथ साथ आप ये भी जान पाओगे कि आपको आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप में मैक एड्रेस कैसे चेंज करना है। इसके लिए आपको आपके राउटर के वैन पोर्ट, इंटरनेट पोर्ट से केबल निकाल कर लैपटॉप या डेस्कटॉप से जोड़ना होगा। तो दोस्तों, बने रहिए एजीटी नॉलेज की इस पहली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना।